बिखेरने वालों की उड़ाकर, तो वो हवाओं के लिए कौन ऐसा बिखेर देता है, उड़ाकर हवाएं होती है ना। फिर एक सूरह वलमुर सलात के उर्फा कसम है उनकी जो खुशखबरी लेकर आती है, करके हवाएं उड़ाती, हवाएं खुशखबरी लेकर आती, हवाएं कुछ हवाओं में अजाब भी होता है आती तूफान इस तरह का। और फिर इसके बाद ही वह नाजियात गर्फा कसम है उन डूबने वालों की जो डूब कर खींचते, बर्क होकर खींचते, इधर भी फरिश्ते। और लेकिन सब में इसी तरह के एक तरह का मजबूर है कि सिफात बयान कर दिया अल्लाह तआला ने, लेकिन किसके बारे में कहा वो हटा दिया, मौसूफ गायब। इस तरह से यहाँ पर भी बल आदियात की जमा, आदियात जो है आदि की जमा, आदि घोड़े को कहते तेज दौड़ने वाला, और आदियात यानी तेज दौड़ने वाले घोड़े ना। लेकिन बाज फस्ते में इसको इसके मानी वाला आदियात, क्योंकि मौसूफ गायब है ना, तेज दौड़ने वाले मुराद, तो बाज फसल उससे ऊँट भी मुराद लेते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऊँट चूंकि सुस्त रफ्तार जानवर, वो तेज नहीं दौड़ पाते, स्लो स्लो चलता है, इससे ज्यादातर इससे क्या मुराद है, वो तेज दौड़ने वाले। और जो आगे जो और चार पांच सिफत बयान की गई है वो किसकी हो सकती है, घोड़े की हो सकती है, तो तेज दौड़ने वाले घोड़े से मुराद। अच्छा, और इसमें ये भी है कि इसमें मोनस का सेगा है, देखो अवल आदियात बस स्वाफानी सारी ना, आप लोग अरबी पढ़ते हो कुरान पढ़ते तो ग्रामर तो आपको अच्छे से आता होगा ना। जैसे कि मोनस का सेगा आदियात वाहिद आदियात तेजो है जमा, बस स्वाफात व नाजियात व मुसलात सब मोनस के थे, तो चूंकि गैर आकिल की जमा जो होती है, गैर आकिल की जमा के लिए क्या लाया जाता है, मोनस का सेगा लाया ना, मोनस यानी फीमेल के लिए जो बड़े इस्तेमाल करेंगे वो घोड़े जो होते हैं, जो ऊँट है वो गैर आकिल है ना, गैर आकिल की जमा है ना, दौड़ने वाले घोड़े या दौड़ने वाले ऊँट है ना, इससे जो सिफत लाई गई है वो क्या लाई गई है, जो फेल लाया गया है वो मोनस का लाया, ठीक है। तो हमको इससे ये भी मतलब लेना चाहिए कि चूंकि हम औरतें हैं ना, तो ये हमारे लिए भी है इसके अंदर एक सबक। अल्लाह ताला फरमा रहा है कसम है दौड़ने वालियों की हाँपते हुए, तम्हा कहते हैं हाँपना, जैसे कि हम अमल तनफुस आपको समझते हैं ना, तेज तेज चलने की वजह से जो एक किस्म की हवा हमारे मुंह से खारिज होती है, सांस बाहर निकलती, तो इसमें वही है कसम है दौड़ने वालियों की हाँपते हुए, यानी कसम है उन
तेज दौड़ने वालों की, तेज दौड़ने वाले घोड़ों की जो हांपते हुए दौड़ते। जब घोड़ा दौड़ता है तो बहुत तेजी से दौड़ता है, और दौड़ता है तो एक अमल तनाव को जो खारिज करता है, सांस का इखराज जो होता है उससे अजीब किस्म की आवाज करती है, तो वही वड़िसले मुफस्सरीन कहते हैं कि जो जो इसमें सिफात बयान की थी घोड़े की हो सकती है, एक ऊंट की नहीं हो सकती है ना। फिर इसके आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे फल मूरियात कदहा। मुरियात कहते हैं, मुरिया वाहिद है, मुरियात जमा है, मुरिया है चिंगारी जलाने वाला, आग जलाने। फिर चिंगारी निकालने वालों की सुम मार के, घोड़े की सुम होती टाप, जिसम टाप के है ना। घोड़ा जब तेजी से भागता है तो उसकी जो नाल रहती है पत्थरों से टकराती, पत्थरों से टकरा कर जब नाल उसकी टकराती तो कोई ऐसा लगता है आग की चिंगारी, क्योंकि उस जमाने में एक कुछ खास किस्म के पत्थर ऐसे कि पत्थर, एक पत्थर जिससे चिंगारी, जैसे कि हमारे जमाने में गैस है और स्टोव चूल्हे वगैरह है, इस जमाने में आग जलाने का तो एक ही तरीका था। दो दरख्त होते थे मरख और इफार नामी, जो एक की टहनी दूसरी की टहनी पे मारी जाती तो आग निकलती। देखो हम बचपन में भी खेलते थे चकमाक पत्थर, पत्थर को पत्थर से वो कुछ रगड़ते थे, रगड़ते थे तो आग निकलती है। सब नहीं खेले होंगे, तो जो बचपन में जो नहीं खेले होंगे वो समझ ले कि वो फिर चिंगारी निकालने वालों की तुम मार के। अभी देखो ये आग की चिंगारी कब निकलेगी, घोड़े से, घोड़े जब दौड़ेंगे तेजी से दौड़ेंगे और जो कुवत से दौड़ेंगे, इसमें कुवत से दौड़ना होता है। और ये रात के वक्त होगा ही था, कब होगा, दिन में अगर वो दौड़ेंगे तो हमको चिंगारी नजर नहीं आएगी, यानी रात के वक्त का माहौल है। देखो मक्की दौड़ की जितनी सूट है और अम्मा के पार के खास कर जितनी सूट है ना, सब ना सबके मजमून में अगर हम झांक कर देखें ना तो मक्की दौड़ की झलकियां नजर आएगी। उस वक्त मक्का के दौर में क्या, उस वक्त उस दौर में 1400 साल पहले क्या क्या चलता था, क्या हालात थे। अभी देखो एक बात की तरफ इसमें इशारा है कि अरब में जो बदमनी का माहौल, बदमनी इंतशार, कि ना कोई भी घर सुकून से रात भर सो नहीं सकता, क्यों, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि हाँ छापा मार जो दस्ते होते थे वो रात ही क्यों हमला करते, और क्या अंधेरे अंधेरे में निकल जाते थे और सुबह सवेरे सुबह का हल्का सा धुंध लगा छुटा, सुबह होने की शुरुआत हुई जैसे कि फजर का वक्त इब्तिदा में कैसा शुरू होता है, थोड़ा थोड़ी चीजें दिखाई देती, फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊपर चढ़ता है तो पूरा रोशन, तो उस वक्त पे जाके मतलब वो ताक में बैठे रहते थे मौके की ताक पे, रात को अंधेरे में निकले और जिधर छापा मारना है उधर बैठे, और जैसी हल्की हल्की सुबह नमदार हुई वैसे ही मौका मतलब चौका देखे, मतलब इन लोग ने क्या किया हमला, मौका देखे हमला। तो ये उस वक्त ना लोगों को समझ में नहीं आता था कि हमला करने वाला कौन है, क्योंकि पूरी तरह सूरज तुलु नहीं होता था, सूरज तुलु नहीं होने की वजह से क्या होता था, हल्के हल्के धुंधलके में क्या नजर आएगा जो काफला कहाँ से आ रहा है, तो क्या होता था जो छापा मारने वालों की जीत ही। अभी छापा मारने वालों का क्या काम रहता था, खाली लूटना, लूट मार करना, औरतों को गुलाम बना देना, बच्चों को औरतों को लौंडी बना देना, बच्चों को गुलाम बना देना, और लोग की मालो दौलत और लूट ले लूट कर खुद क्या हो जाना साहिब इख्तदार, और वो सामने जिस पर छापा मारा गया वो क्या हो जाता था, वो शिकस्त होता होता। तो इस तरह से हर हर कबीला ऐसा सुकून से कोई रात सो नहीं सकता था ये सोच के कि मेरी सुबह खैरियत से गुजरेगी, कि इस तरह बदमनी का माहौल था। अल्लाह ताला ने उस बदमनी के माहौल की तरफ भी इशारा किया इस सूरे में कि अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा तुमको इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी, इतनी तुम नेमतों का इस्तेमाल किस तरह करते, जैसे कि घोड़े है और तुमको जो भी अल्लाह ताला ने दूसरी भी मराहत दी, लेकिन उसको तुम कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हो, जो वसाइल ये गलत कामों में इस्तेमाल, किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, छापा मार रहे हो और कत्ल और कारत भी नहीं बचा रहे, एक तरह से वो भी इस पर चलती नजर आती है। फिर चिंगारी निकालने वाले की सुम मार। फिर उसके बाद तीसरी सिफत क्या है, फल मुगीरात सुबह। मुगीरा कहते हैं गारत गरी करने वाला, गारत मचाने वाला। आप लोग को समझ में आता है गारत किसे कहते हैं, एक होता है हमला करना, एक होता है गारत मचाना। भारत में ना शिद्दत है, मतलब भारत गिरी कर दिया उसने, हर चीज तोड़ फोड़ दिया, हर चीज चीज तो नाबूद कर दिया। इसमें फिर भारत गिरी मचाने वालों की सुबह के वक्त, यानी जो घोड़े होते थे वो भारत गिरी कब मचाते थे, सुबह के वक्त भारत गिरी मचाते। इसके बाद तो आसरना भी नका, फिर क्या करते हैं वो उड़ाते हैं साथ उसके गुबार, यानी जब वो भारत गिरी मचाते हैं जब एक लश्कर में घुसेंगे, अरब क्या है रेगिस्तानी इलाका, जब एकदम तेजी से वो घुसेंगे सामने तो क्या होगा, बहुत सारी धूल और रेत, फिर इससे क्या समझ में आएगा, हर तरफ बार इस बार
घोड़ा है, यानी जब घोड़े अचानक से हमला आवर, उसके बाद है वस्वत्ना विही जम, फिर क्या करते हैं वस्त, वस्त मतलब क्या होता है बीच में घुस जाना, बस दरमियान को, फिर क्या करते हैं घोड़े अचानक से दरमियान में घुस जाते हैं, किसके साथ उसके जमात, जमात में क्लस्टर में बीच में अचानक से दरमियान में घुस, उसके बाद अल्लाह तला ये सब अल्लाह ने कसम खाई है, लेकिन कौन सी चीज के लिए कसम खाई वो आगे आयतों का एक आयत, चलो एक आयत का आते हैं, इंसान बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ना, ये है मतलब जिस चीज के लिए कसम खाई आज किफार बयान हो गई, क्यों कसम है कसम है कसम कसम है इनकी कसम है इनकी, अल्लाह तला तो कसम खाते हैं, क्यों खाते हैं हम, क्यों कसम खाते हैं हम, क्यों कसम खाते अपनी बात की अपनी दान पसंद आ, और अल्लाह तला को क्या जरूरत, अल्लाह की कसम खाते गवाह है, तो ये सब चीज गवाह है जो तुम्हारे सामने हकीकत मौजूद है कि अल्लाह तला कह रहा है कि बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ना चाहिए, मतलब क्या अभी घोड़े की बात चल रही थी, अचानक अल्लाह तला ने इंसान की बात शुरू कर दी, इंसान अपने रब का बड़ा ना चुका है, तो क्या बात समझ में आती है, यानी जानवर वो जानवर जो के मतलब अपने मालिक का इतना फरमाबरदार है कि वो जो गारत गिरी करवा रहा है वहां पर भी जा रहा है सारा कुछ कर रहा है, लेकिन एक इंसान जिस खालिक है वो उसकी नाफरमानी कर रहा है, अलग जो है घोड़े के लिए क्या करता है मालिक, थोड़ा सा चारा ला देता है, लेकिन जब घोड़े को उसका मालिक धूप देता है कि चलो रात के अंधेरे में हालांकि उसको माली में चल के बैठाना चाहेगा तो उसको जख्म भी लग सकता है, वो मर भी सकता है, उसको तीर भी लग सकता है, और फिर इसके तो पूरी सिफात दिखे कैसा कैसा दौड़ता है, कसम में उन दौड़ने वाले घोड़ों की हाँफ कर, यानी हम अपने मालिक के मुंह पर ऐसा दौड़ते हैं हाँफ कर, वो भी तेजी के साथ उसने उसके पास दूसरी सिफत है, और नूर या की कथा कैसे दौड़ते हैं वो पूरी कुवत के साथ, उसकी कुवत के साथ दौड़ते हैं कि ताप में से चिंगारी निकलती है, यानी हम अपना इतना एफर्ट लगाते हैं लगाते हैं, हम तो बोलेंगे हम बीमार है, हमको सर्दी है, हमको हम खांसी है, और फिर छोटे छोटे रीजन हम पेश करते हैं, है ना, जो भी हमको बुलाना होता है इस्तेमा में या तो कोई चलना होता है कि अल्लाह की राह में किसको कहने के लिए बुलाता है, तो हम कितने अपने छोटे मोटे बहाने पेश करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं अल्लाह तला फल मुरियाती फता के बाद फल मुगीर आती सुबह, वो सुबह के वक्त तारक करी मचाते, यानी उनका मालिक कहता है कि चलो उठो सुबह अलग सुबह अलग सुबह तुमको हमला करना है, इसमें एक आयत में एक चीज की तरफ इशारा है कि अल्लाह के लिए अगर हमको रात भर जागना है तो हम जागे, हमको अल्लाह के लिए सुबह में उठना है तो हम उठे अपने मालिक के हुक्म पर, यानी सुबह और रात का जो जिक्र है ना तो मालिक के लिए इतने फरमाबरदार होते हैं, इतने वफादार के फौरन हुक्म की तामील करते हैं, और उसके बाद आयत क्या है तो असर न विभिन्न कि फिर वो गुबार उड़ाते हैं तेजी से, यानी वो धूल और गुबार मिट्टी जो भी होती है, यानी हर माहौल में वो क्या करते हैं सर्वाइव, हमको सर्दी का मौसम है तो हमको निकलने को भारी पड़ेगा, गर्मी का मौसम है तो हमको सब तो गर्मी लगेगी, हम बोलेंगे नहीं बहुत गर्मी है मुझे तो नहीं निकलना, तकलीफ होती है कहेंगे ना नहीं सकते, लेकिन अल्लाह तला क्या फरमा रहे, देखो ये घोड़ा अपने मालिक का इतना फरमा बता रहे, लेकिन तुम क्या कर रहे, तुम अपने मालिक के कितने फरमा बता रहे, तुम हर माहौल में सर्वाइव करने के लिए तैयार होते हो, हर माहौल जैसे कि हमारे हम देखते हैं अपने सहाबा किराम के बारे में कि उन्होंने जंगें लड़ी, ठीक है आयत पूरी कर लेते हैं, फिर वो लश्कर जमात के दरमियान में घुस जाते हैं, यानी जिस तरह से मालिक कहता है कि घुस जाओ वैसे ही वो घुस जाते है ना, फिर उसके बाद अल्लाह तआला फरमाता है कि इन्नल इंसान ही लगत है ना, अभी हम देखते हैं कि सुबह का वक्त कैसा होता है, सुबह का वक्त कैसा होता है कि जब एक मरीज होता है वो रात भर अगर तकलीफ में रहा हो, यानी बहुत बीमार बहुत तकलीफ की हालत में रात भर जाग रहा है, लेकिन सुबह में सुकून से सो जाता है, फजर का टाइम फजर की नमाज की ज्यादा फजीलत है ना, कि पूरी रात भी हम जागे नहीं कहते, लेकिन फजर के टाइम पे कैसा भी करके शैतान सुला दे, ठंडी ठंडी हवा थी, रात भर गर्मी होती है बेचैनी में हम करवट पलटते रहते हैं करवट बदलते रहते हैं, और फिर सुबह में आ जाते हैं ना लगती ना, और एकदम मौसम एकदम सुहाना, तो ये सुबह का वक्त कैसा रहता है गफलत का, और ये जो छापा मारते थे दस्ते वो सुबह के वक्त ही मारते थे ताकि गफलत में हो सब उन लोग की जीत हो जाए, है ना, तो ये भी इसमें एक चीज है कि ये सुबह का वक्त बहुत ज्यादा कीमती हो हमारे लिए, हम उसमें उठे इबादत करें नमाज पढ़े,
और देखो एक और चीज इसमें है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि इन्ना इंसान ले रब्बी लगनो, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाश, इसमें इशारा है फफिरू इलल्ला, तो बस दौड़ो अल्लाह, हमको किसकी तरफ दौड़ना है, अल्लाह के लिए दौड़ना है, अल्लाह की तरफ दौड़ना है। हम देखो अभी सहाबा किराम की सीरत के बारे में कुछ जानते, पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने मार्के हुए, कुछ कुल 82 मार्के थे, छोटे बड़े सब मिला, सोचो मक्की दौर कितना तकलीफ में गुजरा सहाबा किराम, है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। आप लोगों ने सीरत तो अभी पढ़ी है, सब मुताला कर लिया है कि किस तरह ताइफ का सफर है, शाबे अभी तालिफ है, आप अल्लाह का नबी इतनी दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर रहा है, पत्थरों पे ठोकरे खा रहा है ना, सहाबा किराम पर जुल्म सितम हो रहा है, फिर वो मदनी दौर देखे, मदनी दौर में मदीना जाने के बाद भी लोगों को सुकून हासिल हुआ, हर हम तो बड़ी बड़ी जंगों के बारे में जानते हैं, सन 2 हिजरी में गज़वे बदर, सन 3 हिजरी में गज़वे और सन 5 हिजरी में गज़वे खंदक हुआ है ना, ये सब हुआ, फिर गज़वे हुनैन हुआ सन 8 हिजरी में, 7 हिजरी में खैबर हुआ, 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ, मूता की जंग हुई, फिर सन 9 हिजरी में तबूक हुआ, गज़वे तबूक, फिर हज्जतुल विदा सन 10। लेकिन उसके तो बड़ी बड़ी जंगों के बारे में हमने पढ़ा, फिर छोटी मोटे मार के बहुत सारे पेश, लेकिन सहाबा किराम का क्या हाल था, जंग में जाना है, जंग में पुकार होती थी, चलो जंग के लिए पुकारा गया है, क्या करते थे, किसी भी तरह कोई भी हाल में निकल पड़ते थे कि नहीं निकल पड़ते थे। हम हंजला के बारे में सुनते थे, हंजला के बारे में शादी की पहली रात थी ना उनकी, गज़वे उहद था, जब जंग का बिगल बजाया गया तो अपनी बीवी को नवेली दुल्हन को छोड़कर वो निकलते है ना, और शहीद होते, शहीद हो जाते पहली रात शादी की। देखो सहाबा किराम की एक एक चीज पर मगर देखे, हज़रत हमजा की शहादत कैसी होती, देखो हम कैसे अपने लिए विटामिन की कैल्शियम की हमको कुछ तकलीफ लायक हो जाती है, कुछ बीमारी होती, कैसी गोलियां खाते, फिर अपने लुक्स पर भी कितना ध्यान देते, बाल नहीं झड़ने चाहिए हमारे, थोड़ी नहीं आना चाहिए चेहरे पर, हमारा कलर डल हो रहा है, डल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ ना कुछ क्रीम लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ सोचते हैं कि ये हमारा जो है गुस्सा एक दिन खाक में मिलने वाला, हम अंदर अपने अंदर दिल के बारे में अपनी रूह के बारे में कुछ सोचते कि वो एक दिन मरने, हमारा जिस्म तो मर जाएगा लेकिन हमारी रूह जिंदा रहने वाली है, आखिरत में हम क्या नामा माल नहीं सोचते, हमारे सहाबा किराम की कुर्बानियों को याद करो कि देखो एक वो है जंग का मैदान है, हमजा की लाश है, तो हमजा की लाश के पास से जब नबी करीम सब गुजरते हैं तो किस कदर रोते हैं, आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती है, बेतहाशा रोते है कि हजरत हमजा की लाश कैसी रहती है ना, कि वो कलेजा बाहर, दिल को काटा गया है, चीरा गया है, कलेजा बाहर है, कान काट दिए गए हैं, नाक काट दी गई है, नेजों से 1000 जख्म हजरत हमजा की लाश पे, अबू सुफियान शहीद होने के बाद भी नेजों पे से कचुपे पे कचुपे लगा रहा था हमजा की लाश पर, तो कोई मुश्किल नहीं रोका कि तुम कैसे अपने भाई को, मरे हुए भाई को किस तरह से तुम इस क्या सुलूक कर रहे हो, तो उसको शर्म आती है फिर छोड़, तो नबी करीम सस्म का जब गुजर होता है तो आपकी क्या हालत रहती है, है ना, तो सोचो कि लेकिन वो लाश को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बुलंद दर्जा था, कटी पिटी लाश हर तरफ से जख्मी है, लेकिन क्या लकब क्या मिला, सैयदुश्शुहदा, शुहदा के सरदार, है ना, आज हम अपने आप को संभालते कि नहीं संभालते, अल्लाह की राह में अपने आप को खपाते, कभी हमने देखा हमारा पसीना भी बहा, हमारे जिस्म में दर्द हुआ, हमारे सर में दर्द हुआ अल्लाह की राह में निकलने पर, है ना, हम कुछ हमारा हमको इतना टेंशन हुआ कि सब कुछ आगे पीछे हो गया, ऐसा भी नहीं होता, अभी देखो हम जो बैठ के पंखे के नीचे आराम से दर्द सुन रहे हैं, ये कोई कुर्बानी नहीं, सही बोलेंगे कुर्बानी, कुर्बानी तो हमारे सहाबा की है ना, हम तो कुछ भी नहीं इसके सामने, हम तो नकल कर रहे हैं, असल तो हमारे सहाबा ने की, हम तो कुछ एकदम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करे, उन्होंने उनको तो पता था जंग में जाना है, जख्म लगेंगे, मौत भी आ सकती है, शहीद भी हो सकते हैं, तब भी जब भी पुकार होती थी फौरन चल जाता, सब कुछ माल कुर्बान, जान कुर्बान, औलाद कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, अभी बोलने के लिए एक एक सहाबा की सीरत, मुस्तफा इब्ने उमर की सीरत ले लो, मुस्तफा इब्ने उमर क्या थे, नौजवान, खूबसूरत नौजवान, इतरों में खुशबू में बसते रहने वाले, उनका जो लिबास होता था 200 दिरहम का शाम से सिलकर आता था, बहुत अमीर तरीन माँ बाप के बेटे, लेकिन जब इस्लाम कबूल करते हैं क्या होता है,
उनका चाचा रहता है स्थल पर, उनको धक्के दे के घर से बाहर निकलता है, यहाँ तक उनके जिस्म पे जो लिबास रहता है वो भी उतरवा देता है। जबकि उनकी ये शान के जिस गली से गुजर जाते थे खुशबुओं से तर होती थी, लोग कहते थे कि यहाँ से मुसअब इब्ने उमैर गुजर। लेकिन फिर जब इस्लाम कबूल करते हैं तो एक चादर भी मैसर, फिर मुबल्लग, पहले मुबल्लग इस्लाम बनाकर भेजे गए मदीना में, है ना, और फिर घर घर उन्होंने कुरान सुनाया, घर घर को इस्लाम की दावत दी, और ग्राउंड एक ग्राउंड तैयार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने से पहले। यहाँ तक कि आप जब हिजरत करके गए तो हर घराना मुसलमान, कोई ना कोई हर घराने में मुसलमान, उनकी वजह, उनकी वजह। फिर देखते जब गज़वे अहद में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो आपसे तुम उनको देख के आपके आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? यार मुसअब इब्ने उमैर के जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी, वो चादर पहन के लड़ाई, और वही गजबे में वो शहीद हुए। यहाँ तक कि जब शहीद हुए तो इतना तंगी का जमाना था कि जब दो दो लाशों को एक कब्र में डाला जा रहा था तो किसी के पास पूरा कफन भी मयसर नहीं था। सब जब सर ढाका जाता तो पैर खुल जाते, पैर ढाका जाता तो सर खुल जाता। फिर नबी करीम से पूछा गया, यार रसूलल्लाह हम क्या करें? आपने फरमाया सर पर कफन उड़ाओ और पैर पर अस्तर घास डाल। तो हम देखते हैं कि कितनी कुर्बानियां, कितनी कुर्बानियां साथ के रात की वैसे और में कितने लोग परेशान थे। फतेह होते होते शिकस्त हो गई थी, फिर क्या हुआ था, शिकस्त हो रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगा था, दंताने मुबारक शहीद हुए थे, खुद की कुड़िया कड़िया गालों में घुस गई थी, है ना, खून बह रहा था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचते बचाते ले गए थे बचाकर सहाबा किराम गोल दायरा बनाकर, है ना, और फिर 70 सहाबा शहीद हो गए थे, अच्छे अच्छे नामवर सहाबा, उनकी शहादत हो गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा, इतने एक एक सहाबी हजार के बराबर था, हजार के लाखों के बराबर हम बोलेंगे तो भी कम, इतने तरबियत याफ्ता सहाबा शहीद हो गए। इतना सदमा लगा हुआ था सहाबे किराम के दिल पर भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर भी, एकदम पस उर्दा और एकदम डिप्रेशन में वो लोग चले गए। फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि वापस पलटो, वापस जाओ, लोग का पीछा करो, बस हालांकि जख्म लगे हुए, थक चुके, चूर हो चुके, जहनी तौर पर भी थक चुके, जिसमानी तौर पर भी थक चुके, लेकिन चलते हैं। हमराव लसद का हुक्म होता है कि वहाँ पे अबू सुफियान का, अबू सुफियान ललकार कर जाता है यहाँ पर हमारा वापस मुलाकात हुई, लेकिन जब देखते हैं तो वो भाग चुका रहता है ना। फिर आपसे सब हुक्म देते हैं कि 500 सहाबा रहते, 500 सहाबा 3 दिन रुकते, हालांकि लश्कर हाथ में आता है, 3 दिन रुकते हैं, 500 सहाबा को कहते हैं कि अपनी अलग अलग आग जलाओ, अपना अलग अलग खाना बनाओ, ताकि सबको लगे कि बहुत बड़ा लश्कर है, क्योंकि अलग अलग रात को आग जलेगी। तो ये ऐसे ही करते हैं 3 दिन रह के, और पूरे अरब में खबर फैल जाती है कि बहुत बड़ा लश्कर हमराव लसद पे पहुंचा हुआ है, और सब क्या हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं, और सोचते हैं कि इतने बड़े लश्कर की से मुकाबला करने की हिम्मत किस, एक तदबीर थी रखते, कि खाना तो कुछ लोग ही बनाते हैं, लेकिन आपका हुक्म पता कि हर कोई सहाबी अपना अपनी अलग अलग आग जलाएगा, अपना अलग अलग खाना बनाएगा, ताकि मुकाबले के लोग, मुकाबले में जो लोग हैं दुश्मन, उसको पता चले कि कितना बड़ा लश्कर है, कितनी बड़ी तादाद है। तो सोचो कि लोगों की जिंदगी देखो, एक एक सहाबिया है उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला, उम्मे ऐमन कौन है बताओ, पढ़े ना सीरत, कौन है उम्मे, सॉरी अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ ना तो उसने विरासत में दो ही चीज छोड़ी थी, एक उनकी खादिमा उम्मे ऐमन और एक बूटी थी, मोहम्मद हसन के लिए विरासत में दो ही चीज थी, और उम्मे ऐमन की उस वक्त कितनी थी, 12 या 13 साल, खादिमा थी नबी करीम अब्दुल्ला की। और फिर जब आमिना की वफात होती है तो यही लेके आती है ना, हमाम हसन को लेके आती है मक्का की तरफ ना, तो ये उम्मे ऐमन के बारे में आता है कि नबी करीम हसन उनको अपनी माँ का दर्जा देते, और उम्मे ऐमन ये हबशी खानदान, गुलाम खानदान से थी, हबशी की हबशी थी कि नहीं मालूम, लेकिन गुलाम खानदान से थी। और फिर क्या हुआ, हजरत खदीजा और नबी करीम का निकाह हो गया ना, तो उन लोगों की उनकी बहुत ज्यादा कुर्बानियां थी, इन्होंने चाहा कि उम्मे ऐमन का भी निकाह कर दिया, तो लोग कोशिश करके किसी को ढूंढ के उम्मे ऐमन का निकाह करा। अभी जिससे निकाह होता है ना, जो जो शख्स से निकाह होता है वो भी कोई गलती में शहीद हो गया, और फिर उनका बेटा जिन जिनके नाम पर वो अपनी कुनियत रखती है ऐमन, उम्मे ऐमन है ना, ऐमन नाम का बेटा वो भी कोई गजे में शहीद हो जाता है, नौजवान होते होते फिर बेवा हो जाती, फिर दूसरी शादी किससे होती है पता है, दोनों को शौहर भी गया बेटा भी गया, एक ही बेटा एक ही शौहर, दूसरी शादी नहीं पता, हजरत जैद
जो पहली बीवी ज़ैनब बिन के जहाज रहती है उसका नहीं लोग को नहीं चलता है, नबी करीम सलम ज़ैनब से निकाह करते हैं। तो आपसे हम एक तो डिमांड रखते हैं कि इससे इनसे निकाह कौन करेगा, ये जन्नती औरत में। तो हजरत जैद में हारिसा तैयार होते हैं इससे निकाह, और उनसे तो उसामा बिन जैद सहाबी है, और सोचो उनकी उम्र कितनी हुई थी उस वक्त। हजरत जैद तो नबी करीम सलम के मुंह बोले बेटे हैं, और नबी करीम सलम से भी 14-15 साल पड़ी है ये, 20 साल का फर्क था मेमन और हजरत जैद इब्न हारिसा, 20 साल किसको बोल रहे। और उनकी निकाह से, दोनों की निकाह से कौन पैदा होते हैं, उसामा इब्न जैद, जिनसे नबी करीम सलम को बहुत ज्यादा मोहब्बत ना। जब नबी करीम सलम को जिस दिन विसाल होता है उस दिन एक लश्कर जाता है जंग पर, और उसकी कयादत कौन कर रहा होता है, उसामा इब्न जैद। अब सलम के बारे में आता है कि एक सहन पे इमाम हसन हुसैन में से कोई बैठा होता था और एक सहन पे उसामा इब्न जैद, सेम अपने नवासों के जैसे नबी करीम सलम उसामा इब्न जैद से मोहब्बत किया। हालांकि उसामा इब्न जैद कलर में कैसे थे, इमाम हसन हुसैन बहुत ज्यादा खूबसूरत गोरे, उसामा इब्न जैद एकदम सियाह कलर, मैं शायद हबशी हबशी खा। तो देखो और ये भी क्या होता है कि उस दिनों के बाद उसामा इब्न जैद, जैद इब्न हारिसा की शहादत कब होती है याद है, जंगे मुता है ना, सन 8 हिजरी में 1 लाख फौज का मुकाबला 3,000 मुजाहिदीन थे, पर सालार कौन है, जैद इब्न हारिसा शहीद होते हैं ना, पर सन 8 हिजरी में वो भी शहीद हो जाते हैं। फिर उसके कुछ सालों के बाद उसामा इब्न ज़ैद भी शहीद हो जाते। सोचो दूसरी शादी, दोनों भी शहीद, वो दोनों भी शहीद, ये दोनों भी शहीद। तो उस दौर के लोगों की कुर्बानियों के बारे में आपको थोड़ा सा तस्वुर दिला रही हूँ कि कितनी कुर्बानियां है, माल से, औलाद से, जान से, हर तरह की कुर्बानियां, इतनी कुर्बानियां दी है, जब कहीं आकर दीन हम तक पहुंचा है ना। अभी एक एक गजवा और एक सॉरी गजवा ने एक लड़ाई असल नबुवत के जमाने में हुई, उसके मुसलमान अपने कसाब के लिए जो नबुवत का झूठा दावा किया था उसने ना, लड़ाई हुई तो क्या पुकारा था, मतलब तो ये लड़ाई हो रही थी तो जो एक अंसारी साहब थे, अंसारी साहब थे, उनको बहुत जख्म आ गया, तीरों के इतने सारे जख्म लगे कि इनके एक पूरी साइड है ना पैरालाइज। तो वो उनको दूसरे साहब ने उठाया जैसे तैसे करके चलाया, चलाकर उनके खेमे में लाकर डाल दिया कि अब तुम मासूरीन में से हो गए, अब तुम लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी देर के बाद अंसारी सहाबा के जो कमांडर थे उन्होंने आवाज लगाई, या अंसार, या माशरी अंसार, या अंसार के ग्रुप, ये फौरन उठ के खड़े हो गए और जंग में जाने के लिए रेडी। तो सहाबा बोल भी रहे कि आप तो मासूरीन में से है, आप मत जाइए। तो कहते कि वो उन्होंने आवाज लगाई, क्या मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, क्या मेरे ऊपर जंग फर्ज नहीं है, और ऐसा बोलकर फौरन जंग के लिए निकले। हम मैं बोल रही हम कितने बहाने पेश करते ना। अरे एक और साहबी है उम्मे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, नाबीना साहबी, मक्तूम नाम क्यों है, मक्तूम का मतलब होता है हर चीज छुपी हुई, नाबीना थे पैदाइशी, उनकी वालिदा ने अपनी कुनियत उनके नाम से रखी थी उम्मे मक्तूम, मक्तूम की माँ ना। उनके बारे में कि वो भी माजूरिन में थे, चाहते तो जंग में नहीं शरीक होते, लेकिन हर जंग में नबी करीम जिद करके शरीक, और बोलते थे मेरा काम यही होगा कि सिर्फ कलम पकड़ूंगा, सिर्फ झंडा पकड़ूंगा, और कुछ नहीं, देख तो सकते नहीं थे। लेकिन फिर क्या होता है, मतलब ये कब तक जिंदा रहते हैं, उम्र के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहते हैं, और फिर अलम पकड़े खड़े रहते हैं। वो एक जंगे कादिसिया जो ईरान से खतरनाक खुंदरेज जो जंग हुई थी, जिसके कमांडर साद इब्न अबी वक्कास थे, वो उस जंग में भी अलम पकड़ के खड़े थे। फिर देखते हैं सहाबे किराम के अलम कहाँ क्या गिरा हुआ महसूस किया, आते हैं तो देखते हैं कि उनकी शहादत अब्दुल्ला इब्न उमर ये भी खड़े थे कि तीर लग गया आलम के, क्या हो। तो देखो नाबीना साहबी, देखो हम इतने अच्छे हाथ पैर, हमारे आस पास सब कुछ दुरुस्त, और अल्लाह ने इतनी ताकत इतनी कुवत दी थी, हम कितने उस तराशते में कितना उसमें पेश करते। हालांकि कुरान में जितने भी कायदे फजल मुजाहिदुना फजल मुजाहिदुना अल कायदीना दर्जा, अल्लाह ने मुजाहिदीन को एक दर्जा बैठे रहने वाले पर फजीलत दी, गैरा उली जरर आता है कि जो माजूर माजूरिन के अलावा कि वो माजूरीन में थे तो भी शरीर में थे, हम तो अच्छे खासे होके शहीद इतना उसी तरह। और फिर दूसरी चीज क्या कि जवानी का अलग से अल्लाह का एहसान, मालूम है ना हदीस क्या हदीस, 5 चीजों का इब्ने आदम के कदम नहीं हटेंगे अपनी जगह से जब तक 5 चीजों का हिसाब
अपना लिया जाए। उसमें क्या है, एक जवानी कि किस काम में खपाई, वो सारी चीजें ना, माल कहाँ से हासिल किया, कहाँ खर्च, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इन हासिल किया आता हो तो कितना अमल किया है ना, अपनी जिंदगी किन कामों में गुजारी। जवानी का अलग से है कि जवानी किन कामों में गुजारी, क्योंकि जवानी में अल्लाह ताला बेपनाह ताकत बेपनाह कुव्वत देता है, और हम उसको जाय कर देंगे तो उसका भी हिसाब। अल्लाह तआला कहता है कि इंसान अपने रब का बड़ा काम उसकी वजह भी बयान करता है कि क्यों नाशुक्र, क्यों नाशुक्र है। इन्नहु अला ज़ालिक, बेशक वो उस पर खुद गवाह अपने अपने रब का नाशुक्र है। लेकिन हम जबान से हम तो बोलते हैं कि हम नाशुक्री नहीं करते, शुक्र करते हैं ना, करते इन हम अमलन जैसे अमलन नाश पूरी करते। अल्लाह की दीवी चीजों को, अल्लाह की दीवी सलाहियतों को, नेमतों को अल्लाह के काम में लगता है ना। हमको ये आंख दी है तो इसका क्या, क्या काम था, उसे खैर के काम, अच्छी चीजों को देखे है ना, उसको भी अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करे। कान दिए उसको भी, हम लोग दुआ पढ़ते अल्लाह माफ ही नहीं पढ़ते नहीं, अल्लाह माफ ही नहीं कमी, अल्लाह माफ ही नहीं पसरी, ला इला इला, इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे करें, कान का, आंख का और जबान का, दिमाग का, अपने हाथ पैर का, क्या हक को तलाश करने में और हक को पहुंचने में। गौर व फिक्र करते रहे दिमाग से, हक को सर्च करते रहे, हक अल्लाह को पहचानते रहे, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करते रहे, फिर इन तमाम चीजों को इस्तेमाल कैसे करें, हक के लिए इस्तेमाल। ये क्या, इसे क्या कहेंगे, अमली शुक्र गुजार। हम जबान से करते अमलन नहीं करते, अल्लाह यही चाहता है कि हम अमली तौर पर क्या बने, शुक्र गुजार। फिर क्या है, हम कुनूत में है इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, और वो अल्लाह ताला फरमा रहे कि बेशक वो खुद उस पर गवाह है। क्योंकि हम जो करते हैं हम अपने दिल में खुद अपने आप को जान जाते हैं कि हम कैसे, कब हमने झूठ बोला, कब हमने लालच की, कब हमने दगा किया, हमने फरेब किया, सामने वाले के लिए तो गोलमोल कर देते हैं, लेकिन हमारे दिल में क्या है वो कौन जानता है, अल्लाह ही जानता है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो उस पर खुद गवाह भी है। और देखो सूरह क़यामा में भी अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, बेशक इंसान अपने आप पर खुद गवाह है। वलो अलका मआज़ीरा, अगर तो कितनी माज़रा से पेश कितना ही उज्र तलाशी करे वो, लेकिन वो खुद मालूम है वो खुद उसके दिल में क्या चल। और फिर एक और आयत भी है आज के, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारा नाम अमल हमारे हाथ में देगा, इकरा किताबिका कहेगा, पढ़ अपना नाम अमल, आज तेरा हिसाब लेने के लिए तो खुद ही काफी, और किसी को जरूरत नहीं तेरा हिसाब लेने की, तो खुद जानता है कि तू कितना पानी में उतरा है ना। हम जानते हैं ना अपने बारे में हकीकत में, और वो कहीं ना कहीं वो चीज का एहसास हमको अंदर तक है ना। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है इसके बाद क्या, क्यों और क्यों वो इस तरह से, क्यों नाशुक्र और क्यों इस तरह से होता है, वह इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि बेशक वो अपने माल की मोहब्बत में बहुत शदीद, बहुत माल की मोहब्बत में मुब्तला है। कम या ज्यादा हर कोई हम में से, हर कोई कहीं ना कहीं माल की मोहब्बत में मुब्तला है कि नहीं, है ना। अल्लाह ताला सूरह फज्र में इरशाद फरमाते हैं, कल्ला बल तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, हरगिज नहीं बल्कि तुम माल से जमकर मोहब्बत करते, वतअकुलूना तुरासा अक्लन लम्मा,
और मिराज का माल समेट कर खा जाते हैं। होता है कि नहीं, हर घर में हर कोई मिराज का माल समेट कर खाने की कोशिश करता है और माल से जमकर मोहब्बत करता है, कम या ज्यादा हर कोई इसी तरह से, हम सब भी वही सब में शामिल। तो ये इस वजह से वो अपने रब का क्या है, बड़ा नाश्ता। अभी आप खुद देखो रास्ते में कितनी ट्रैफिक है, अभी उस जमाने में घोड़े दौड़ते थे काम काज के लिए इधर से उधर जाने, आज क्या दौड़ी गाड़ियां, कांटेदार गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अलग अलग नाम है गाड़ी के, है ना, जो सबका स्टेटस जाहिर करती है कितनी बड़ी, जितनी खूबसूरत गाड़ी है ना, और लेकिन तेजी से दौड़ी है रास्तों पे, ट्रैफिक जाम है, किसके लिए दौड़ी है, अल्लाह के काम के लिए दौड़ी है, फला दिया थी जबाँ बसा में उन दौड़ने वालियों की तेजी से हाँप के दौड़, जो हाँप कर दौड़ते, इस तरह गाड़ियां भी तो हमारी तेजी से दौड़ी है, क्यों इतना ट्रैफिक है रास्ते, क्या मकसद क्या है लोग का, पैसा हासिल करने के, लोग कहाँ से कहाँ सफर करते, कई बार दो दो घंटा बैठ जाएंगे गाड़ी, कई कई घंटा बैठ जाएंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। अल्लाह वही फरमा रहा है कि बेशक अपने माल की मोहब्बत में बहुत शदीद, वो जमकर माल से मोहब्बत करते, कोई मकसद है जिंदगी नहीं रहा, रह गया सिर्फ माल ही माल। आप लोगों ने वो हदीस पढ़ी होगी ना कि आपने तो एक बार फरमाया था कि मेरी बात जो आने वाली उम्मत होगी आखिरी जमाने में उम्मत ऐसी हो जाएगी कि उसके ऊपर लोग गैर कौम में इस तरह टूट पड़ेगी जिसे दस्तरखान पे लोग खाने के लिए टूट। सहाबा किराम ने पूछा था कि या रसूल क्या तादाद में बहुत कम होंगे, आपने फरमाया नहीं तादाद में तुमसे भी ज्यादा होंगे, लेकिन उनको एक बीमारी हो जाएगी और बीमारी क्या होगी, वाहन की, वाहन कहते हैं बस हिम्मती बुस्ती और जिंदगी से मोहब्बत और मौत से नफरत, वही है ना। जरा ऐसी बात हम घर में नहीं बैठ जाते, पुलिस पकड़ लेगी ये हो जाएगा, दिन के काम के लिए कितने रुकावटें, दिन में ज्यादा मत झुको पुलिस पकड़ लेगी। अभी वो कलीमुद्दीन सिद्दीकी को डालिए ना, तो कितनी जगह मैंने देखी उसके बाद इज्तिमात वगैरह होते थे बंद हो गए, नहीं पुलिस पकड़ लेगी, क्या किसी बात पर डर जाओगे, इतना तुम अपने आप को बचा के बचा बचा के रखना चाहते हो। वो शेर है ना अल्लामा इकबाल का, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शकिस्ता तर है, शकिस्ता है तो अजीज तर है, मतलब समझा ना, तू बचा बचा के ना रख ये तेरा आईना है वो आईना है, अपने आप को बचाते रहे, शकिस्ता ये टूट फूट जाएगा ना, जख्म हो जाएगा, अल्लाह के नाम में जख्म लग जाएंगे, टूट फूट जाएगा, लंगड़ा लुला अपाहिज हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा तब तू और अजीज हो जाएगा अल्लाह की। जैसे कि हमने मैंने जैसे हमजा के बारे में बताया और दूसरे दूसरे सहाबा जिनका मुसला किया गया था कस्बे में, तो बहुत सारे सहाबा का मुसला किया, मुसला मालूम है ना, कान काट देना, नाक काट देना, हार बना के लोग पहन लेते थे गले में, दुश्मन पर जब इतना सख्त लोगों को गुस्सा होता था ना, दुश्मन कौम को जब किसी पर गुस्सा होता था तो जिस पर वो हमला करते थे उसके साथ ये मामला, तो गज़वे अहद ने बहुत सारे शहादा का मुद्दा किया। यही हमको उस पर अपने आप पर गौरव करना चाहिए कि जब हम अल्लाह की राह में निकलते हैं, हम कितना हमारे दिन का कितना हिस्सा हम अल्लाह की राह में लगाते हैं, हम कितना हिस्से में अपने आप को खपाते हैं, कितना थकते हैं, क्या हमारे जिस्म से कभी पसीना बहता है, क्या हमारा सर दर्द होता है, कभी कुछ होता है, नहीं होता तो हम कुर्बानी नहीं दे रहे, हमको अगर कुर्बानी देना है तो हमको ये सब चीजों में मेहनत करना होगी। इसके आगे है अफला यालमु इज़ा तेरा माफ़ूर, क्या वो नहीं जानता कि जब जो जो कुछ खबरों में है, जो कुछ खबरों के अंदर है, क्या वो नहीं जानता, सॉरी मेरी आई थोड़ी सी, हाँ इजा वो तेरा माफी को बोल, क्या भला वो नहीं जानता जो कुछ निकाल दिया जाएगा, जो कुछ कब जब निकाल लिया जाएगा, जो कब यानी निकाल लिया जाना, जो कब्रों में वो तेरा कहते हैं जैसे कि कोई चीज को कोई बरनी में कुछ सामान है ना बड़ी बरनी में, तो हम उसको उलट पुलट करके निकाले, नहीं नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे करके कोई चीज को जब ढूंढते हैं तो कैसे हम ढूंढेंगे, तलपट करके, इसका मतलब वो तेरा का मतलब वही होता है, तला तला कब्रों में, कब्रों को कैसा करेगा, कब्रों में से मतलब जो भी है ना, जो भी जो कुछ भी कब्रों में है ना, इस तरह से वो ये तो इसमें जानने की बात है, सॉरी इसके आगे की आयत में तो मैं बोली हूँ कि अल्लाह ताला जो कुछ भी कब्रों में है, यानी जो भी दफन है कब्रों में, कुछ लोगों की मौत तो समुद्र में होती है, कुछ लोगों की कुछ लोग कब्र में दफन होते हैं, कुछ लोग ऐसी ऐसी तरह हवाई जहाज पे जब प्लेन क्रैश होता है तो कैसी मौत होती है, तो कुछ हिस्सा इन लोगों का नहीं मिलता है,
अल्लाह ताला फरमाया क्या भला वो नहीं चाहता जब निकाल लिया जाएगा जो कुछ भी कब्रों में, यानी जो कुछ भी कब्रों में है वो इस तरह से निकाले जाएगा कि पूरी कब्रों को खोया के फेड़ लिया गया, हर चीज हड्डी हड्डी रेजा रेजा उसका जो भी पार्ट होगा जिस्म का वो सब कुछ अल्लाह ताला क्या करेगा कब्रों से निकाल देगा। हम सोचो कब्र में हमको जाना है ना, कि कब्र में जाना है कि नहीं, हम जब जनाजा लेके जाते हैं जब जनाजे के पीछे लोग चलते तो ये नहीं सोचते कि जनाजा आगे है लोग पीछे जा रहे, एक दिन हमको भी उसके पीछे जाना है, वापस उसको दफन करके आते वापस अपनी दुनिया की जिंदगी में वैसे मस्त वैसे गर्व हो जाते, जरा भी मौत का असर नहीं होता। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि कब्रों की जियारत किया करो ज्यादा से ज्यादा ताकि तुम मौत को याद रखो, बहुत सिला माफिस और हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ सीनो, जो कुछ सीनो हमारे सीनों में क्या है, तहसीन का मतलब क्या होता है, हम फल होता है ना उसका छिलका निकाल के अंदर का मगज निकाल, अंदर का जो भूता निकाल के खाते हैं ना उसे तहसील कहते हैं, यानी हासिल कर असल चीज को हासिल, अल्लाह फरमा रहा है और हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ सीनों में, यानी हमारे सीनों में क्या क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है ना, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालो बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार किस पर है, जैसी हमारी नियत होगी और फिर से आगे क्या है, जिसने हिजरत की अल्लाह की राह में उसी के लिए, जिसने शादी की वजह से हिजरत की यानी कोई शादी के लिए कुछ छोड़ के दूसरे पर जाता है तो उसकी हिजरत उसी के लिए, जो कुछ भी हमारा जो कुछ भी नियत है, इसलिए मैं बोलती हूँ जब घूमने फिरने जाते हो हमारा मकसद होता है सैर व तफरी करना बहुत मजे लेना, एक नियत बना लो आप कायनात पे गौर व फिक्र करना, वो भी आपका घूमना फिरना भी क्या हो जाएगा इबादत। आप अभी जस्ट वो आयत आई सूरह रात की आयत नंबर 5 के गौर व फिक्र करो कि दुनिया में तुम घूम कर नहीं देखते, हाँ वहां से हम देख सकते एकदम दूर खड़े देख सकते हैं, हाँ अच्छा मिल की बाहर से हम देख सकते हैं ना लेकिन बाहर से आज भी लोग जाते तो वही कायनात के, जैसे कि मैं बता रही हूँ हमारी नियत को हम दुरुस्त कर ले कि हर चीज करें हम अपने कपड़े अच्छा लिबास पहन रहे हैं अच्छा सदरे संवारे हम ये नेमतों का इजहार करें, ये नेमतें अल्लाह ताला तेरी तरफ से दी गई है ना और हम इससे अच्छे काम कर अच्छा तेरे सातिम लिबास पहनेंगे, खाना पकाए तो हलाल कमाई से हम पकाएंगे और हम खिदमत फल के लिए खाना बना रहे है ना, सब हर सोच को बदल करके हम कितना अल्लाह की रजा की। और देखो नियत में ये भी है ना एक बहुत ऐसी हदीसें बहुत सारी मिलती है ना कि तीन लोगों को अल्लाह के सामने कयामत के दिन पेश किया जाएगा, एक शहीद एक सफी और एक आलिम है ना, शहीद से अल्लाह पूछेगा कि तूने किसकी राह में खून बहाया तो क्या कहेगा, अल्लाह तेरी राह में, अल्लाह क्या फरमाएगा तो क्या चाहता था कि लोग तुझे बहादुर कहे जरी कहे, सो कहा जा चुका पतीला कहा जा चुका, अब तेरे लिए कुछ इसको जहन्नम में घसीट के डाल दिया, शहीद है बोलो शहीद इसने अपनी जान दे दी अल्लाह की राह में वो भी इसकी नियत नियत से बुरा दान हो, फिर दूसरा क्या सखी माल खर्च करने वाला से पूछेगा अल्लाह ताला किसके लिए तूने माल खर्च किया, अल्लाह तेरी राह में नहीं अल्लाह तूने इसलिए माल खर्च किया कि तू सखी कहलाया जाए कहा जा चुका तेरे लिए कुछ उसको भी जानना, फिर एक और है आलिम तूने किस लिए नफा पहुंचाया अपने अल्लाह की राह में तेरी राम किसकी खाते, फिर अल्लाह ताला कहेगा नहीं तूने इसलिए लोगों को नफा पहुंचाया कि ताकि तू आलिम कहलाया जाए सारी ताकि तेरी कदर हो अजमत हो इज्जत हो, कब पीला तहकीक के कहा जा चुका तेरे लिए कुछ उसको भी जानना है, डाल दे देखो ये तीनों रद्दे कितने बड़े बड़े, हमको अपना भी महासेवा करने की जरूरत है कि हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं कितनी हदीस रोंग पे खड़े कर दे कि हम अपनी, क्योंकि ये जो ये कुर्सी है ना इसमें भी बहुत बड़ी कितना परवर है कुर्सी में डालने वाली है कि लोगों को ऐसा एहसास करे कि मैं खूब बोलने वाली लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन सबसे बड़ा फितना यही है अपने अमाल को दबा कर
इल्म पर तकब्बुर सबसे बड़ा। इसलिए जो भी हमको नेमत है, जो भी हमको सलाहियत है, हमें जब एहसास भी होता है ना, हम सोचे कि अल्लाह का फजल है, हमें कुछ भी वाकई में हम कुछ भी नहीं थे, बेशुमार नेमतें सुबह से लेकर रात तक उसमें हम दो चार होते रहते, लेकिन सब अल्लाह की। अगर अल्लाह ने चाहे तो हम खाना नहीं बनाए, अल्लाह ने चाहे तो हम पलक नहीं झपके, तो हमको चीजें तो दूसरी काम तो बड़ी खाए। हर तो उमर रज़ी अल्लाह जो खलीफा बने थे ना, कभी उनको वो ऐसा आता था ना दिल में, तो खलीफा हो गया, तो किंग हो गया, क्या करते थे? उठते थे, अपना गाल मिट्टी से रगड़ देते थे, लेट जाते थे। कि तुम तो क्या था? एक चरवाहा था, जिससे तू चरवाहा चरा के आता था, बकरियों को तो तेरा बाप खूब मारता था आने के बाद, क्या था तेरी हैसियत? क्या थी? आज तू खलीफा बन गया, किंग बन गया, किसकी वजह से? अल्लाह के दिन की वजह से। तब वो रहना रज़ी अल्लाह ने भी ये जब है ना उनको गवर्नर बनाया गया था कोई जगह का, तो कहते थे कि तू क्या था? तू तो तेरी तो हैसियत ये थी कि लश्कर के पीछे तुझे चलना था, जब कोई मार कुछ छोड़कर जाते थे, भूल चुक हो जाती थी, काफला छोड़ जाता था, तो उनका ये कहा था, गुलाम थे ना वो भी, तो वो सामान ले लेके पीछे पीछे से चलते। वो अबू हुरैरा की ये हैसियत थी। बात इस्लाम लाने के बाद क्या हो गया? वो भी गवर्नर ना। तो जो भी हमको नेमतें मिलती किसकी बदौलत? अल्लाह अल्लाह को। यहाँ तक कि हम जन्नत में भी जब जाएंगे, हम अपने अमाल की बदौलत नहीं चाहते। नबी करीम से पूछा गया था कि आप भी? आपने क्या? हमें भी, मैं भी अल्लाह के फर्ज से जन्नत। सोचो तो नबी करीम से इतनी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, हमारी क्या कुर्बानी है ना उसके सामने, सहाबे किराम की सब अल्लाह के रूप से क्या होती है जन्नत। इन्ना रब्बहुम बियौमिहिम यौमैसिल खबीर, बेशक उनका रब उस रोज उनसे खूब बाखबर हो, यानी बेशक उनका रब उनसे आज हमसे क्या बाखबर नहीं है? लगा आज भी है ना, उस रोज की खास फजीलत क्या है? इस रोज उनसे उनका रब खूब बाखबर, मतलब दुनिया में तो और भी लोगों के हाथों में इख्तदार है ना, उनको हमको सताते हैं, जदोजहद करते हैं, हमारी खबर रखते हैं, है ना? करते ना बाज लोग, कहाँ जा रही, कहाँ से आ रही, क्या कर रही है, कि नहीं? ससुराल में होंगे शादी के बाद, ससुराल तो खूब खबर लेंगे, कब कब इज्तिमा के लिए निकले, बहुत दिन के काम में लगे, घर को तो देखती ही नहीं, खूब खबर लेने वाले हर चीज में, हमारा मुहासिबा होते रहता है। और फिर ये दुनिया में बादशाह भी तो होते हैं, हर किसी का किरदार चलता है, बादशाहों की भी तो खूब खबरें, कुछ ना कुछ किसी के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ तो कुछ भी, मुजरिमों के साथ कुछ ना कुछ लोगों का चलते ही रहता है ना। ज्यादातर बड़े बड़े जराइम का इंतकाब कौन करता है? बड़े बड़े पॉलिटिशियन करते हैं, है ना? अल्लाह ताला फरमाए इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमैज़िल खबीर, बेशक उनका रब उस रोज खूब बाखबर होगा, क्योंकि पूरा इख्तदार कयामत के रोज किसका होगा? सिर्फ अल्लाह और किसी का नहीं। अल्लाह ताला उस रोज कहेगा ना, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाह, और खुद ही उसका जवाब देगा, क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। ये कब की बात है? नफ़े उला नफ़े साने, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए ना, फिर खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह वाहिद कहार की। अल्लाह ताला उस रोज, और हम दिलों की बात क्यों कही गई? बहुत सलाम आफिस सुदूर, देखो सूरह तारिक में भी यौमा सुबलस सराइर, उस रोज राजों की जांच पड़ताल की जाएगी, और सूरह जिज्जार में भी पढ़ते हैं यौमैज़िन तुहद्दिस अख़बारहा, उस रोज उनकी खबरें, वो जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, है ना? तो सीनों में क्या है? हसद है, कीना है, गुरूर है, गर्दी है, कुफ्र है, तमाम जज्बात हमारे सीने में है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है बहुत सलाम आफिस सुदूर, और सूरह हमजा में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लती तत्तलियु अलल अफिदा, वो आग जो होगी, नारुल्लाहिल मौकदा अल्लती तत्तलियु अलल अफिदा, अल्लाह की आग आग भड़काई हुई जो दिलों तक पहुंचे, दिलों तक जा पहुंचे, दिलों तक। हमको देखो दुनिया में हम जलते, कोई हादसा होता है जलने का, तो 40-60% उसकी मौत हो जाती है, मतलब आग ना सिर्फ इतना ही इसका देश में या तो गोश तक ही पहुंचती है, अंदर तक नहीं पहुंचती, जब उसकी मौत उसकी मौत दिलों तक पहुंचेगी, बोलो तो अंदर से घुस के दिलों। अभी देखो हमको सफोकेशन होता है, गर्मी में हब्स होता है, हमको कितनी घबराहट होती है, वो कैफियत को सामने रखो, और दिलों तक आग पहुंचेगी, बोलो कितनी तकलीफ। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अलैहि मुसद्दा फी अमदी मुमद्दता, ऐसा करके आए थे ना उसके आगे, कि बेशक ऊपर से ढांक दी जाएगी लंबे लंबे सपनों में, यानी पूरा जैसे वो हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लगी तो हमने पढ़ा था कि लोग खिड़कियों से जंप लगा रहे थे ऊंची ऊंची, कितना वो जो आग का जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल जो काला काला होता है ना जलने का, वो सब गैस का लेवल इतना बढ़ गया था कि वो
दम घुट रहा था और यहाँ तक जंप लगाने की वजह से मौत हो गई। यानी इतनी तकलीफ में थे, देख भी नहीं रहते, जंप लगा। तो सोचो कैसी कैफियत होती है, आग जलती है, किसी किस कदर की गैस ऐसी फैलती है कि लोग दम लोगों का दम घुट जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि उस, और वो भी बंद करती जाएगी लंबे लंबे सुतनों में और सीनों पे पहुंचेगी। तो सोचो कि हमारे सीनों को हमको कितना महफूज रखने की जरूरत है, हर किस्म की बीमारी से, दिल की हसरत है, कीना है, खुदगर्जी है, कुफ्र है, लालच है, बुखल है, ये सब कहाँ होते जज्बात, ख्वाहिशात, हमारी अंधी ख्वाहिशात जो हमारे दिल, उसी वजह से इंसान का होता है तबाह बर्बाद। अल्लाह ताला इसलिए वो सब दिलों का जिक्र करता है बार बार, मुश्किल माफी सूर हासिल कर लिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, सब जहन्नम की आग से भी महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमको ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जिससे हमको जन्नत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला हमको सर बुराई से एक बार से तिलावत सुन लेते, आप तिलावत सुनते टाइम अच्छे से गौरव انت المستعان وعليك السلام ولا حول ولا قوه الا بالله